दोस्तों आज हम चने की सब्जी बनाने का ऐसा तरीका बताएंगे जिसे देखकर आप सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे। यह सब्जी दिखने में इतनी लाजवाब है तो सोचिए यह खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विलेज टेस्टी भोजन में। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे चने की सब्जी। तो यहाँ पर ये देखिए हम देसी चना लिए हैं, ये वजन में 200 ग्राम है। तो अब इस चने को हम पानी में भिगोकर फुलाएंगे। चने को जल्दी फुलाने के लिए इसमें हम गर्म पानी डाल रहे हैं। गर्म पानी से चना 2-3 घंटे में बहुत आसानी से फूल जाता है। आप चाहे तो इसे नॉर्मल पानी में रात भर के लिए भी भिगोकर छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए 3 घंटे बाद चने बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। फूल जाने के बाद इसके छिलके बहुत आसानी से निकल जाते हैं। इस चने को हम 2-3 बार अच्छे से धो लिए हैं। अब यहाँ पर एक कुकर लिए हैं, इसमें पानी सहित इस चने को डालेंगे। इसमें एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, एक बड़ी इलायची और ये 2 लौंग भी डाल देंगे। थोड़ी सी लगभग आधा चम्मच नमक डालेंगे। अब कुकर का ढक्कन बंद करके इसे चूल्हे पर चढ़ाएंगे और इसे तेज आंच पर 1 सीटी लगने के बाद आंच को बिल्कुल धीमी कर देंगे और फिर धीमी आंच पर ही 8 से 10 मिनट तक इसे पकाएंगे। तो 10 मिनट के बाद गैस बंद करके कुकर के अंदर का गैस निकलने के लिए छोड़ दिए थे। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारे चने उबल गए हैं। थोड़ी सी चना को हम बाहर अलग निकाल कर रख लेंगे। बड़ी इलायची और दालचीनी को भी साथ में निकाल लेंगे। अब हम सब्जी के लिए मसाले तैयार करेंगे। तो देखिए मसाले में क्या क्या है। तो ये लिए हैं 2 टमाटर, 12 से 15 लहसुन की कलियां, 1 टुकड़ा अदरक और ये 4 हरी मिर्च। तो इन सभी को हम सिलबट्टे पर पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। अब ये जो थोड़ा सा चना बाहर निकाल कर रखे थे इसका भी पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए चने को भी बारीक पीस लिए हैं। चूल्हे पर फिर से कुकर को चढ़ाए हैं। इसमें हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। तेल गर्म होते ही इसमें हम थोड़ी सी जीरा और 1 तेजपत्ता डालेंगे। जीरा चटकते ही इसमें 2 बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का सुनहरा रंग होने तक भूनेंगे, आंच मध्यम रखेंगे। तो प्याज भून गया है, अब इसमें मसाले डालेंगे। तो ये डाल रहे हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये डाल रहे हैं कश्मीरी मिर्च पाउडर, ये डाल देंगे काली मिर्च पाउडर, ये है हल्दी पाउडर। इन सभी को मिला लेंगे। इसे मिलाने के तुरंत बाद अब इसमें अभी जो मसाला तैयार किए थे उसे डालेंगे। मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए मसाले तेल छोड़ने लगे हैं, यानी ये अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें तैयार किया हुआ चने का पेस्ट डालेंगे। चने का पेस्ट डालने से ग्रेवी गाढ़ा होता है और स्वाद भी बढ़िया आता है। 2-3 मिनट तक फिर से इसे भून लेंगे। मसालों को हम ज़्यादा तेज आंच पर नहीं भूनेंगे, नहीं तो ये जलने लगेंगे। हल्का सा इसमें पानी डालकर भूनेंगे। तो 2-3 मिनट बाद ये सभी मसाले बहुत ही अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें उबला हुआ चना डालेंगे पानी सहित। यहीं पर अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। नमक हम चना उबालते वक्त भी डाले थे, तो यहाँ पर हम नमक हिसाब से ही डालेंगे। इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रहे हैं।
इसमें एक चीज और डालेंगे, तो ये है गरम मसाला पाउडर। अच्छे से मिला देंगे इसे। अब कुकर का ढक्कन बंद करके इसे तेज आंच पर एक सीटी आने तक पकाएंगे। एक सीटी आने के बाद गैस बंद कर दिए हैं। कुकर से सारा गैस निकल गया है, इसे चूल्हे पर से नीचे उतार ले रहे हैं। कुकर का ढक्कन खोलेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही खुशबूदार और स्वादिष्ट हमारी चने की सब्जी बनकर तैयार है। इसे आप चावल, रोटी, पराठा या पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं। सभी के साथ यह खाने में बहुत ही मजा आएगा। तो कैसी लगी हमारी यह रेसिपी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा।